सब्सक्राइब कीजिए परिहार ट्रिक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्रिक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप का जो एक नया फीचर आया है पिन चैट वाला, उसके बारे में बताने वाला। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र, आप देखो परिहार ट्रिक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अगर आपने अपनी व्हाट्सएप को अपडेट नहीं किया तो वो अपडेट कर लीजिए। आप प्ले स्टोर से जाकर अपडेट कर सकते हो, देख लीजिए अगर अपडेट का ऑप्शन है तो अपडेट कर लीजिए, अगर अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है मतलब आपका पहले से अपडेट कर रखा है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जो नया वर्जन है उसमें लिखा हुआ आ रहा है पिन चैट का जो फीचर है इसमें अवेलेबल है, तो आप लिखा हुआ आ जाएगा आप अगर डिस्क्रिप्शन देखोगे प्ले स्टोर से तो, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद ओपन कर लीजिए व्हाट्सएप को और उसके बाद देखिए फ्रेंड आपको जो भी चैट को पिन करना है, पिन का मतलब ये कि सबसे ऊपर आएगा, जिसको भी आप पिन करोगे वो परमानेंट जब ऊपर ही आएगा। तो मैं यहाँ पे एक अपने फ्रेंड को सर्च कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि मैंने सर्च किया है तो अब देखिए क्लिक करके रखना है आपको, ठीक है दबा के रखना है। फिर से बता रहा हूँ मैं, जैसे कि ये है कोई चैट है उसको क्लिक करके रखना है आपको, ठीक। क्लिक करके रखोगे या नीचे ऑप्शन आ रहा है देखिए पिन चैट, इस पर क्लिक कर देना है और आपकी जो चैट है वो पिन हो जाएगी, ठीक है। देखिए आप देख सकते हो ये सबसे ऊपर आ रहा है, ठीक है। आगे पिन का साइन भी आ रहा है, तो यानी कि जो चैट है ये परमानेंट ऊपर रहेगी, चाहे मैसेज आए या नहीं आए लेकिन चैट हमेशा ऊपर ही रहेगी, ठीक है फ्रेंड। उसके अलावा मैं एक और चैट आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, जैसे कि ये है, क्लिक करके रखना है, ऊपर पिन का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देना है और चैट को आप पिन कर सकते हो टॉप पे, ठीक है फ्रेंड। और सिर्फ 3 लोगों को ही आप पिन कर सकते हो, उससे ज़्यादा अगर आप करने की कोशिश करोगे तो पिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैंने 3 लोगों को पिन कर लिया है और फ्रेंड अब मैं देखिए एक पिन को हटाते कैसे वो बता देता हूँ। क्लिक करके रखना है और ऊपर फिर से पिन का ऑप्शन आएगा, उसमें अनपिन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है तो अनपिन हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप किसी ग्रुप को भी पिन कर सकते हो, कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें आपको वो ज़्यादा मैसेज आते हैं या फिर जिसमें आप मैसेज करते हो एक्टिव रहते हो, उस ग्रुप को आप यहाँ पे पिन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्रुप है, ठीक है, इसको आप पिन कर देता हूँ, क्लिक करके रखना है, इसको भी ऊपर पिन का ऑप्शन से क्लिक करोगे ये पिन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड ये 3 पिन हो चुके हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ग्रुप भी पिन हो सकता है यहाँ पे और आपके कोई मैसेज या चैट है वो भी आप पिन हो सकती है। उसके बाद फ्रेंड व्हाट्सएप का एक फीचर है स्टेटस वाला, तो ये कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था और इसके बारे में तो सब आप सभी को पता ही है। इसके अंदर आप कोई भी फोटो या वीडियो आप स्टेटस में डाल सकते हो, 24 घंटे के लिए वो वैलिड होता है, 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कितने लोगों ने आपका जो स्टेटस है वो देखा है, वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और कोई भी जो भी आपके कांटेक्ट में है उनमें से किसी ने भी अगर जो है स्टेटस डाला है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि देखिए इतने सारे लोगों ने डाला है तो यहाँ पे मुझे बता रहा है, ठीक है। आप किसी का भी स्टेटस देख सकते हो कि उन्होंने क्या डाला है और फिर ये 24 घंटे के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि देख सकते हो इन्होंने एक वीडियो डाल रखा है यहाँ पे, तो इसे 24 आवर के लिए है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हट जाता है, ठीक है। उसके अलावा ऊपर एक ऑप्शन है सेटिंग स्टेटस प्राइवेसी का, इसमें अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है माय कॉन्टैक्ट, यानी कि आप जो भी स्टेटस डालोगे वो किसको दिखाना है, आपके कॉन्टैक्ट को दिखाना है या फिर माय कॉन्टैक्ट इज एक्सेप्ट, ठीक है। इसमें अगर आप जिनको सिलेक्ट करोगे उनके अलावा बाकी सबको दिखेगा, ठीक है, आपका स्टेटस, ठीक है फ्रेंड। और उसके अलावा एक थर्ड है ओनली शेयर विल, ठीक है। इसमें अगर आप जाओगे तो इसमें जिनको आप सिलेक्ट करोगे उनके पास ही आपका स्टेटस जाएगा, बाकी लोग आपका स्टेटस नहीं देख पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे आप कुछ भी फोटो वीडियो कुछ भी ऐड कर सकते हो, 24 आवर के लिए ही ये वैलिड होता है, ठीक है फ्रेंड। उसके अलावा फ्रेंड्स एक पुराना स्टेटस वाला जो सिस्टम था, जो कि आप सबको पता है कि काफ़ी पॉपुलर था वो, जिसमें हम कुछ भी लिख सकते थे, कोई शायरी या फिर कुछ भी हाय हेलो कुछ भी लिखते थे तो वो सभी लोग देख पाते थे, तो फ्रेंड वो पहले हट गया था बीच में व्हाट्सअप से, क्योंकि जब ये वाला स्टेटस का फीचर आया था वो वाला स्टेटस हट गया था, लेकिन अब वो वाला स्टेटस वापस आया है, लेकिन इसमें नाम चेंज कर दिया गया है, अब ये नाम आ रहा है अबाउट एंड फोन नंबर, ठीक है। इसमें अगर आप जाते हो तो आप कुछ भी लिख सकते हो और वो आपके जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में दिखेगा, लेकिन बस स्टेटस की जगह अबाउट एंड फोन नंबर हो गया है, बस बाकी ये फीचर वही है। उसके बाद फ्रेंड व्हाट्सएप के बहुत सारे ऐसे फीचर है जो आपको नहीं पता है और हिडन फीचर है जो कुछ लोग ही यूज़ कर पाते हैं, अगर आपको वो फीचर यूज़ करना है तो उसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने बताया है कि व्हाट्सएप के हिडन फीचर को कैसे यूज़ करते हो। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया, उस पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।